एंथूरियम एक विशेष प्रकार का विदेशी फूल, प्लास्टिक जैसा दिखने वाला जिसकी कई किस्में जैसे एविटारेड, न्यू ऑरेंज, एंजल और जेविया की खेती बिहार में सफलतापूर्वक की जा सकती है। हालांकि इस विशेष पौधे को जीवित रखने के लिए एक खास तरीके का वातावरण बनाना होता है। जी हां, एंथूरियम की संरक्षित खेती के लिए हवादार पॉलीहाउस और 75% छाया घर यानी नेट हाउस में 70-80% ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता होनी चाहिए। एंथूरियम के लिए दिन का तापमान 24-28 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 15-22 डिग्री सेल्सियस अनुकूल माना जाता है। किसान भाइयों, जरा गौर करें, इस फूल की बुआई के लिए उपयुक्त मीडिया का चुनाव करना जरूरी होता है। मिट्टी की बजाय छिद्र युक्त कार्बनिक मीडिया जैसे नारियल रेशा, नारियल का छिलका, पत्ते की खाद या कोकोपीट इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। एंथूरियम का प्रवर्धन टिश्यू कल्चर या सकर्स के माध्यम से किया जाता है। इस विदेशी फूल की व्यवसायिक खेती के लिए टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे को बड़े स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। आइए अब इसकी रोपाई और पौधों की देखभाल से जुड़ी जरूरी बातें जानते हैं। एंथूरियम को गमले या इस प्रकार की उठी हुई क्यारियों में लगाया जाता है। 4-6 पत्तियों के साथ 15 सेंटीमीटर ऊंचाई के टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे रोपण के लिए बिल्कुल सही होते हैं। सिंचाई व्यवस्था पर अगर गौर करें तो पॉलीहाउस के अंदर धुंध यानी मिस्ट या स्प्रिंकलर यानी फवारा विधि से पौधों की सिंचाई की जाती है। अन्य फूलों की भांति ही इन्हें भी उचित पोषण की जरूरत होती है, जिसके लिए आप इन उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। 1 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट प्रति लीटर पानी की दर से, 2 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट प्रति लीटर पानी की दर से या फिर 1.5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्रति लीटर पानी की दर से पानी में मिलाकर, इसी तरह 1.5 ग्राम अमोनियम सल्फेट प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करें। 1 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति लीटर पानी के साथ उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा 1 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व प्रति लीटर जल के साथ मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। किसान भाइयों, पॉलीहाउस में जब फूल के पौधे बढ़ने लगे तो इन दिनों पौधों का विशेष ख्याल रखना जरूरी होता है। एंथूरियम की बात करें तो इसके पौधों में लीफ प्रूनिंग यानी पत्तों की छांट कर पौधे पर लगातार 4-6 पत्ती बनाए रखना चाहिए, ताकि पौधे रोगों से बचे रहें और प्रूनिंग से फूल भी अधिक आएंगे।